नहीं नहीं रिस्की है, पैदल भी नहीं जा सकते। उफान ते नदियां नाले पुलां दे उत्तों दी लंघ रिया पानी टैन लगे नदी दे किनारे। तस्वीरां पहाड़ी इलाके लाहौल स्पीति दियां ने जिथे लगातार पए मीह तो बाद नदियां ते नाले उफान ते ने बेहद डरावनियां तस्वीरां सामने आईयां ने जिथे नदियां दा पानी पुलां दे उत्तों दी वह रिहा है ते लोग एक पासे तो दूजे पासे नहीं जा पा रहे। तस्वीरां च देखो कि किवें चंद्रभागा नदी दा ए पानी ठाठा मार रिहा है जिस विच आरजी पुल तो पूरी तरह डुब चुका है ते मजबूत लोहे का पुल भी पानी च ही नजर आ रहा है। पुल दे उत्तों दी पानी बड़ी तेजी दे नाल बह रहा है। कई इलाकियां दी बिजली गुल है ते दूर संचार सेवावां भी ठप ने। प्रशासन दे वल्लों नदियां नालियां दे कंडे वसे घरां नूं खाली करवाया गया है, नाल ही लोकां लई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। चंद्रभागा नदी दे कंडे ते बने शैड भी पानी दे विच डुब चुके ने। वड्डे वड्डे दरखत भी इस पानी दे विच ही समा गए ने। लोग सहमे हुए ने ते प्रशासन दे वल्लों एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग किसी तरह की यात्रा ना करन, सैलानी भी पहाड़ी इलाकों का रुख ना करन ते जे कोई सैलानी इत्थे ट्रैकिंग करन दे लई आया तां बिना प्रशासन की मंजूरी तो अजिहा ना किया जाए। बेशक हाले किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं होया पर मौसम विभाग के मुताबिक हाले दो दिन होर मीह पैना है तो लोगों को इत्थे एहतियात वरतन की सलाह दी गई है। ठाठा मार दे नदी दे पानी ने लोकां दे साह सुकाए हुए ने जबकि प्रशासन दा मनना है कि वह हर तरह के हालातों नाल नजिठण लई तैयार ने पर ये बेहद डरावनियां तस्वीरां सामने आ रही ने जिथे नदी का पानी जिहड़ा ठाठा मारदा पुल दे उत्तों दे होके जा रहा है। पानी का वहा इस कदर तेज है कि नदी के कंडे अपने आप ही भुरते जा रहे ने, डिगते जा रहे ने जिस करके नदी कंडे वसे घर का ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रशासन के वलों इन्होंने घर पहला ही खाली करवा लिया गया है। बाकी प्रशासन का यह कहना है कि वह जिवें दे भी हालात होणगे उन्हां नाल नजिठण लई पूरी तरह तैयार ने, बस लोगों का सहयोग चाहिए है। सुबह जब यहाँ पे ये हालात की जो है पुल के ऊपर पानी बढ़ने दिया, ये एक मेन कारण क्या आपके जैसे जाल हुए नाले में फ्लड आए तो वहाँ पे आपका पानी का बहाव कम रोका गया और उसके बाद जो है आपका हमारे गोवर्धन पुल में आपका पुल के रेलिंग तक जो है पानी भरा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि भाई इसकी निकासी के लिए क्या सोचे निकाले कि भाई यहाँ पर इसका रखवाली किया जाए। अब इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कि जैसे आपका आगे से निकासी रुक जाती है तो ये आपका बैक मार के यहाँ पे गिर जाता है, बन जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे आपका जो भी हो माइनिंग वाला जो है माइनिंग ओपन माइनिंग की जाए और ताकि जो है यहाँ का जो टिल्ट है आपका रोड़ी बजरी जो कुछ जो है हर साल निकलता रहे, है ना। तो इसी वजह से अदरवाइज तो लगता है कि यहाँ पर हर साल जो आपका नीचे से मलबा जो बढ़ता आएगा हर साल 5-5, 6-6 फुट 8-8 फुट जो है मलबा आता रहता है, ये तो हर साल बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद हम यही चाहते हैं कि जो हमारा विकल्प सड़क जो है जो राचल टू लिंगर वाला, हाँ ठेकेदारों के ऊपर काम रहते होते यह हुआ पर वो बेचारे कर रहे हैं काम। हम ये चाहते हैं कि मतलब हाँ थोड़ा तेजी लगवाया जाए ताकि हमारा जो केस फ्लो उसी रास्ते से निकलता रहे। बाकी आप इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, प्राकृतिक प्रकोप है ये, बारिश होती है या नहीं होती अलग बात है। जैसे मेन चीज का यही है इस पुल का प्रशासन और इसके बाद सरकार और जो प्रशासन है ना आके अब विधायक जी भी यहाँ पे मौका करके निकले आप वो भी तो अपने लेवल पे करेंगे और उसके प्रशासन के भी आए होते हैं यहाँ पे वो भी तो अपने देखा देख के निकल गए। बाकी अब हम तो क्या ही बोल सकते, हम तो सरकार और आपका प्रशासन यही गौर कर सकते हैं कि यहाँ के जो हमारे फसल गोभी हो गया गोभी ब्रोकली बकरे आइस पर बकरे जो भी हमारे चाहिए वो जो है खेतों में ना पड़ा रहे है ना। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि भाई ऊपर का डंडा है आगे आगे भी जो रोड ब्लॉक क्या होती है, खैर आगे का रोड ब्लॉक का कुछ कोई नहीं, वहाँ पे आप ऑप्शन है लेफ्ट बैंक है राइट बैंक है या कुछ है वहाँ पर आपका ये जो सब कुछ है ना। और उसके बाद आप नेशनल हाईवे हो रात दिन करके जैसे आप सोलो नाले में आई अगर एक बार यहाँ पे कुछ हो जाए तो मुझे लगता है कि मतलब जो ग्राम पंचायत के जितने भी प्रॉप है उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अब इसी आगे हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये जो हमारा जोगरण का जो पुल है इस पर खतरे की तलवार हमेशा लटकी हुई है। तो आज की बात नहीं, आज से 2-3 साल पहले से ये सिलसिला चला हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि
इसका जो पचराई जो पड़ा हुई तो चलो चला ही है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ का जो वैकल्पिक जो रोड है हमारा राजेंद्र तो दिंगर रोड है, इस पर जल्दी से जल्दी कार्य हो ताकि हमें इस चीज से जो दिक्कत जो आज हमें आ रहा है जो जालवा नाले का जो फ्लड का जो सिलसिला चला हुआ इससे हमें निजात मिले। अगर राशिल टू लिंगर रोड का अगर निर्माण हो जाता है तो हमें इस चीज से निजात मिल जाए, तो मैं यही चाहता हूँ शासन और प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द राशिल टू लिंगर रोड का निर्माण किया जाए ताकि हम इन चीजों से निजात पा सकें। पिछले रात लाहौल में भी बारिश हुई लेकिन बाकी जिलों के मुकाबले बारिश यहाँ कम रही, तो मैं ओवरऑल कहना चाहूँगा कि जो हालात हैं यहाँ सामान्य हैं और इसमें जो हमारे जो रोड्स हैं मेजर रोड्स हैं वो जो हमारे ले मनाली हो गया या शिंकुला वाला रोड हो गया वो खुला हुआ है, ओपन है, और इस मगर इसमें जो हमारा लोसर से ग्रामपुर रोड है वो लैंडस्लाइड और फ्लड के कारण दो चार जगह उसको बंद किया गया है और उसका मेंटेनेंस का कार्य स्टार्ट चल रहा है, तो दो तीन दिन तक हम उसको क्लोज रखेंगे। और उसके अलावा जो हमारा लोसर से सुमदो वाला रोड है वो भी ओपन है और जो SKTT रोड है वो भी खुला हुआ है। इसमें मेन हमारी समस्या जो है वो मनाली के रोड को लेकर है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो ले और जो जो हमारा कारगिल से काफ़ी टूरिस्ट या गाड़ी यहाँ से क्रॉस करती हैं तो मनाली में भी रोड क्लोज है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग एडवाइजरी फॉलो करते रहें जो कुल्लू प्रशासन की तरफ से या मंडी प्रशासन की तरफ से आता है, क्योंकि अगर वहाँ से आप चले और यहाँ फंस जाए तो कृपया करके अगर आप अपना जो टूर है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो कृपया करके इसको करें। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अभी ठीक चला हुआ है, कहीं कहीं बीच में मेंटेनेंस का कार्य है, जैसे कि हमारा जो लाहौल में है वो थिरोड प्लांट से आता और दूसरा मनाली से आता, तो मनाली में कुछ मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है तो शायद एक दो दिन में ये हो जाएगा। ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, साथ साथ जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो भी हमारा ठीक चला हुआ है, और जो प्रशासन की हमारी तैयारी है हमारे जितने भी अधिकारी फील्ड पे हैं और क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इसको, और जैसे कि हमारा लास्ट टाइम कुछ हॉटस्पॉट सेंसिटिव जोन्स थे जैसे कि हमारा पागल नाला तेलिंग नाला हो गया, यहाँ पे फ्लडिंग की फ्लडिंग का चांस काफ़ी रहता है तो हमने वहाँ पे एम्प्लॉय कर रखा है, साथ साथ हमारा जो जालमा नाला हो गया उसमें भी थोड़ी फ्लडिंग का इशू आ गया है, और मेन है जो हमारे टूरिस्ट हैं वो चंद्रताल में काफ़ी ज़्यादा करते हैं और इसमें इस बार आपको पता है जैसे हमने बातल में सेटेलाइट फ़ोन दे रखा है तो हम लोसर साइड से कुछ हमारे टूरिस्ट हैं उनको उधर वो चले जाएंगे, उसके बाद दो तीन दिन तक ये रोड मेंटेनेंस में स्टार्ट होगा, उसके बाद जैसे ही हमारे वेदर प्रेडिक्शंस आते हैं और मौसम ठीक रहता तो उसको हम ओपन कर देंगे। ओवरऑल सामान्य है, मेन हमारी समस्या ये है कि हमारे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं मनाली की तरफ या मंडी की तरफ इधर से उसको थोड़ा सा एडवाइजरी को देखते हुए ही ट्रैवल करें, क्योंकि जब तक रोड खुलेगा नहीं तब तक आप वहाँ नहीं जा पाएंगे और बीच में फंसने की दिक्कतें आ सकती हैं। धन्यवाद।